अगर ध्रुव राठी का सच्चाई जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरे देखना पड़ेगा दोस्तों, कि आखिर क्या है ध्रुव राठी की सच्चाई, रियलिटी ऑफ ध्रुव राठे। अभी मजा आएगा ना वीडियो। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरे नहीं देखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि रियलिटी ऑफ ध्रुव राठे। दोस्तों मैं ध्रुव राठी का वीडियो में बहुत ज्यादा देखता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि जितना दोगला ध्रुव राठी है उससे बड़ा दोगला कोई नहीं है। और ये सही बात है दोस्तों कि कोई भी इंसान को पहचानने में आपको टाइम लगता है, जैसे मुझे लगा टाइम, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं सोचा कि ध्रुव राठी बहुत ही अच्छे इंसान है और ये जो मतलब कभी भी अगर जो चीज बोलते हैं ना वो हमेशा सच बोलते हैं, वो अच्छा चीज दिखाने को कोशिश करता है। इसी को देख के जो है सो आगे वाले अगर कोई भी सरकार है ना, चाहे कांग्रेस का सरकार हो या बीजेपी का सरकार हो, इसे ही देख के जो है सो उन लोगों को अपने गलती का पश्चाताप अवश्य होता होगा, काम अवश्य करता होगा। मुझे लगता था कि ध्रुव राठी बहुत ही अच्छा वीडियो बनाता था, मतलब वो कभी कभी ऐसे कंटेंट पे जो है सो वो डिस्कस करते थे जो सभी व्यक्ति को जानना क्या है बहुत जरूरी है। और आप इस बात को जानते हैं कि कभी भी अगर कोई वीडियो अगर बनाते हैं ना तो हमेशा उसका वीडियो जो है सो ट्रेंड में ही रहते हैं, उसके वीडियो पे जो है सो 30 लाख 40 लाख 50 लाख व्यू आपको हमेशा देखने को मिलता है। तो इससे स्पष्ट है कि इसका वीडियो जो है सो बड़े बड़े नेता भी जो है सो देखते हैं। तो मुझे लगता था कि दोनों तरफ के नेता, उधर बीजेपी का नेता भी और कांग्रेस के नेता भी जो है सो इसके वीडियो को देखते होंगे, और शायद अगर इन दोनों में से अगर जो इसको अगर गलती अगर लगता होगा ना, गलती जो है सो सुधारने का कोशिश जो है सो करता होगा। लेकिन आज मुझे पता चला कि ध्रुव राठी बहुत ही बड़ा दोगला इंसान है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी को गाली देना जानता है और कांग्रेस को हमेशा सपोर्ट करना। ध्रुव राठी जो बोले और जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, शायद अगर आप लोग नहीं सुने होंगे तो आपको सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा। इसने कहा कि हमारा रामायण और राम जी बनी बनाई कहानी है, यह एक मिथ है। और इतना ही नहीं, ये कहते हैं कि अल्लाह मोहम्मद ये लोग सब जो है सो एग्जिस्ट करते थे, बोलते हैं कि यह सच्चाई है। आप ही बताओ दोस्तों कि ये कितना घटिया किस्म के इंसान है। किसी ने सच ही कहा था दोस्तों कि ध्रुव राठी जो है सो एक ब्रेन वॉश करने वाला मशीन है। इस घटिया इंसान के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताता हूं। दोस्तों ध्रुव राठी कहते हैं कि भैया हिंदू गॉड होते कहां है, मतलब हिंदू भगवान होते कहां है। आप जरा सोचो कि अगर आप हिंदू हो, आप कहोगे कि हिंदू भगवान होते कहां है। अगर ध्रुव राठी से अगर पूछा जाए कि तुम्हारा बाप का नाम क्या है तो वो अपना बाप का नाम बता देगा। इसके बाद पूछा जाएगा कि तुम्हारा दादा का नाम क्या है तो उसका दादा का नाम भी जो है सो उसको पता होगा। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारा दादा का नाम क्या है, तुमसे ना हो पाएगा, ध्रुव राठी नहीं बता पाएगा। तो इससे स्पष्ट है कि ध्रुव राठी ये भी बोलेगा कि मेरे दादा का दादा था ही नहीं, मैं वैसे ही आ गया, मेरा दादा वैसे ही आ गया और मेरा बाप वैसे ही आ गया और मैं वैसे ही आ गया। जो हिंदू धर्म से बिलोंग करता है भाई, वो कैसे कह सकता है कि भैया हिंदू गॉड होते ही नहीं है। और ये भी कहता है कि कभी किसी ने राम जी को देखा है, रामायण कभी किसी ने एक्चुअल में देखा है, वो जो लिखा है ना उसी को जो है सो मैं पढ़ा हूँ। आप सोच सकते हो कि ये हिंदू धर्म का है और हिंदू धर्म को जो है सो किस प्रकार ये मजाक उड़ाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर इसे किसी इंसान को गलत अगर दिखाना होगा, अगर उस इंसान को नीचे दिखाना रहेगा ना, उस इंसान को नीचे दिखा के ही रहेगा। एनी हाउ चाहे सामने वाले के दिल में कितना भी जो है सो भगवान के प्रति आस्था क्यों नहीं हो, कितना भी वो भगवान को पूजा क्यों नहीं करते हो, बंद करो हाथ जोड़ के मैं, लेकिन उसको जो है सो वो नीचा गिरा के ही रहेंगे। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि वो हिंदू देवता को स्पाइडरमैन मानते हैं। आप जरा सोचो, क्या आप सोच सकते हो कि ध्रुव राठी एक हिंदू हो सकता है। यह केवल कहता है कि अल्लाह मोहम्मद जो है सो एग्जिस्ट करते हैं और ये बात बिल्कुल सच्चाई है। तो आपको लग रहा है कि ये हिंदू है, ये तो मौलवी है दोस्तों। दोस्तों इतना ही नहीं, हाल ही में जो है सो एक वीडियो बनाया था और ये इस प्रकार बोले थे कि नमस्कार दोस्तों, पिछले हफ्ते में मार्केट में जो है सो एक बाबा ने एंट्री मारी है। और ये बात किसको कहा, तो बागेश्वर धाम सरकार को बोले कि एक बाबा जो है सो जो न्यू में जो है सो मार्केट में एंट्री जो है सो मारे है। इतना ही नहीं, कहा कि एक कांग्रेस के नेता जो है सो मतलब ट्वीट भी किए थे कि जब सभी धर्म के लोग बुर्बक बन सकते हैं तो भाई हिंदू धर्म के लोग बुर्बक क्यों नहीं बन सकते हैं, हिंदू धर्म के लोग मूर्ख क्यों नहीं बन सकते हैं। आप सोच सकते हो कि छोटे छोटे व्यक्ति सब बागेश्वर धाम सरकार का विरोध कर ही रहे थे, लेकिन ध्रुव राठी भी जो है सो कहीं का नहीं छोड़ा। वीडियो को अगर आप देखोगे ना, बागेश्वर धाम सरकार को इतना नीचे गिराने का कोशिश किया, इतना नीचे गिराने का कोशिश किया है। अगर आप धीरेन्द्र शास्त्री को अगर जानते होंगे ना, तो ध्रुव राठी को आप छोड़ोगे नहीं दोस्तों। बागेश्वर धाम सरकार को लेके ध्रुव राठी बोले थे कि अपने भारत में जो है सो लोग आईटीएन बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, आईएएस बनते हैं, अपने भारत में तो कुछ लोग बेवकूफ बनना भी तो चाहेंगे, क्यों नहीं बन सकता है बेवकूफ, सबको जो है सो मूर्ख बनने का अधिकार है। स्पष्ट होता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जो भी कथा सुनने के लिए जाता है, जितने व्यक्ति कथा सुनने के लिए जाता है ना, वो सबको ये समझता है कि बुर्बक है, मतलब जो इसका कथा सुनने के लिए जाता है ना, वो सभी इंसान क्या है, बुड़वक है।
अरे कहना क्या चाहते हो? वन दोगला ध्रुव राठी बहुत ही अच्छा है, जो हिंदू हो के हमेशा हिंदू देवता को जो है सो बदनाम करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि हिंदू में गॉड होते कहाँ है। बताओ दोस्तों कि इसे बाबा से क्या बैर हो गया? मुझे लगता था कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी को जो है सो बुराई करता है और ऑलवेज जो है सो कांग्रेस का समर्थन करता है। अगर भारतीय जनता पार्टी का बुराई करने के लिए अगर इसको बोलोगे ना तो इतना जम के बुराई करता है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन भाई इसको बाबा से क्या दुश्मनी हो गया, इस प्रकार बाबा का जो है सो बुराई की है और उसका कथा जो भी व्यक्ति जाता है ना सुनने के लिए उनको जो है सो वो बुड़बक बना दिया और अभी भी कहता है कि इंसान को बुड़बक बनने का हक है, बेवकूफ बनने का हक है। इसका मतलब जो भी धीरेन्द्र शास्त्री का कथा जाता है ना सुनने के लिए वो सभी व्यक्ति क्या है तो बुड़बक है। इसने कहा कि इस बाबा के बारे में कुछ जान लीजिए। तो दैनिक जागरण के अनुसार इसका नाम कृष्ण गर्ग है, जिसका उम्र केवल 26 साल है और यानी मुझसे भी छोटा। ये बात ध्रुव राठी बोला है। जरा आप सोचो कि ध्रुव राठी का दादा क्या ध्रुव राठी जैसे दिमाग था उसको? इस प्रकार का दिमाग अभी ध्रुव राठी के पास है, जो जिस प्रकार ये इन्वेस्टिगेशन कर करके जो है सो लोगों को नीचे गिराने का कोशिश करता है, क्या इसके जैसे दिमाग उसके दादा का था? नहीं होगा इसके दादा का दिमाग, इससे कितना बड़ा उम्र में होगा, लेकिन इसके जैसे दिमाग नहीं था। कभी भी उसके दादा बोले होंगे कि ध्रुव राठी तो मुझसे बहुत ज्यादा छोटा है, इतना ही उम्र में ये बहुत बड़ा जो है सो यूट्यूबर बन गया। ध्रुव राठी से तो बड़े बड़े उम्र वाले सब जो है सो इंसान सब यूट्यूबर है ना, लेकिन जितना व्यू ध्रुव राठी के वीडियो पे आते हैं तो उतना व्यू तो उससे उम्र वाले आदमी सब पे तो नहीं आते हैं। वो इंसान कहां कहता है कि ध्रुव राठी मुझसे बहुत ज्यादा छोटा है? तो ध्रुव राठी कैसे बोल दिया कि उसका उम्र केवल 26 साल है और 26 साल में ही बाबा बन गया और ये मुझसे भी छोटा है? दोस्तों ये क्या साबित करना चाहता था? नीचा गिराने का कितना ज्यादा कोशिश किया। वैसे आप ध्रुव राठी के बारे में क्या सोचते हो आप मुझे नीचे वसे रह दीजिएगा। दोस्तों जय हिंद।